पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान में मैरिज एक्ट ही खो गया है। ये एक्ट 3 साल पहले पास किया गया था, लेकिन अब जब इसे लागू करने का समय आया तो पूरी फाइल ही गायब हो चुकी है। इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को सौंपी गई है। ये मामला खैबर पख्तूनख्वा का है। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाने और उनके साथ विवाह करने के लगातार बढ़ते मामले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव पड़ने लगे थे। 2017 में पाकिस्तान ने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया था। इस बिल में विवाह के दौरान दस्तावेजी सबूत होने जरूरी किए गए थे। ये पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए पहला पर्सनल लॉ था। ये एक्ट पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा राज्य में लागू होना है। सिंध में पहले से ही हिंदू पर्सनल लॉ लागू है। संघीय सरकार ने प्रस्ताव पारित कर प्रांतीय सरकारों को ही इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि सितंबर में UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर घेरा था। उस दौरान भारत ने कहा था कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की हत्या का मैदान बन गया है। पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति सरकार या वहां की सेना के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे सरकारी मशीनरी द्वारा गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान में मतभेद और आलोचना के स्वर बंदूक के बल पर दबा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में करीब 38 लाख हिंदू हैं जो आबादी का करीब 2% हैं, लेकिन फिर भी इन पर अत्याचार होते रहते हैं।